हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थलों के इतिहास और कहानियों का पता लगाते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भूतिया हैं। यहां कुछ शीर्ष प्रेतवाधित स्थान हैं। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। इस ऐतिहासिक महल ने सदियों की यातना और फांसी को देखा है और इसके कई पूर्व कैदियों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित होने की अफवाह है। आओकीगहारा फॉरेस्ट, जापान। पेड़ों के सागर के रूप में भी जाना जाता है। माउंट फूजी के आधार पर स्थित यह जंगल अपनी उच्च आत्महत्या दर के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित किया जाता है जिन्होंने वहाँ अपनी जान ली है। टाइम्स एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। इस महल का एक लंबा और खूनी इतिहास है और कहा जाता है कि यह कई भूतों का अड्डा है, जिसमें एक पाइपर भी शामिल है जो महल के नीचे सुरंगों में गायब हो गया था। टाइम्स द कैटकोम्स ऑफ पेरिस, फ्रांस। सुरंगों और गुफाओं की यह भूमिगत भूलभुलिया लाखों लोगों की हड्डियों से भरी हुई है और कहा जाता है कि इसमें दफनाए गए लोगों के भूत प्रेतवाधित हैं। टाइम्स द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, कैलिफोर्निया, यूएसए। यह विक्टोरियन हवेली विंचेस्टर राइफल कंपनी के संस्थापक की विधवा सारा विंचेस्टर द्वारा बनाई गई थी और कहा जाता है कि राइफल द्वारा मारे गए लोगों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित है। टाइम्स द आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी के पास का यह छोटा सा द्वीप पेड़ों और इमारतों से लटकी गुड़ियों से ढका हुआ है और कहा जाता है कि इसमें डूबने वाली एक छोटी लड़की की आत्मा का साया है। दी एंशिएंट राम इन, इंग्लैंड। 12वीं सदी की इस सराय के बारे में कहा जाता है कि यह भूतपूर्व मेहमानों की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है, जिसमें एक डायन भी शामिल है जिसे में जला दिया गया था। से जुड़ी सबसे डरावनी कहानियों में से एक एक चुड़ैल की है, जिसे कथित तौर पर एक कमरे में दांव पर जला दिया गया था। कुछ मेहमानों ने बताया कि उसकी भूतिया आकृति आज भी सराय को सता रही है। आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं, ये प्रेतवाधित स्थान आपको निश्चित रूप से ठंडक देंगे और आपको बाद के जीवन के रहस्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेंगे। दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थलों पर अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।